लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने अनुबंधित 1983 पीटीआई टीचरों को सेवाएं समाप्त कर दी थी। के बाद पीटीआई टीचरों ने सभी जिलों में धरने प्रदर्शन शुरू किए हुए हैं। सोनीपत में बर्खास्त पीटीआई टीचरों का समर्थन करने कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस बर्खास्त पीटीआई टीचरों के समर्थन में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इतना ही नहीं कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएगी। दीपेंद्र ने कहा कि जब राज्यसभा का सेंशन होगा सबसे पहले संसद में ये मुद्दा मेरी तरफ से उठाया जाएगा। वहीं हरियाणा विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी आवाज उठाएंगे। आज मैं अपनी ओर से भी और हरियाणा के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से भी पूरी तरीके से समर्थन पीटीआई के जो हमारे जो अध्यापक हैं जिनको आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, इतनी ऐसा मुश्किल की घड़ी जिनको का सामना करना पड़ रहा है, उनके हक में पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। आज आपके बीच में हम पूरा समर्थन लेके आए हैं और मैं कोई बहुत लंबी तो भाषण नहीं दूंगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम चाहते हैं सरकार, क्योंकि कोई जो इम्प्लाई होता है वो किसी कोई राजनीतिक नहीं होता, वो सरकार का होता है और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के जो बयान आए उनमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारी भी 10 साल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में किसी एक एम्प्लॉई की छटनी नहीं होने दी थी। यहाँ तक कि MITC के 3,500 एम्प्लॉई जो पिछले उस लो में कमाए थे, करप को कॉन्फेड इपको चल रहा डीसी MITC MITC के कॉन्फेड के इफको के और ये एम्प्लॉयज जिनको हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था चौटाला गवर्नमेंट के टाइम में, उनको रिलीव करके जो है उनकी छुट्टी कर दी गई थी, उनको वापस फैसला लेकर सरकार ने अपनी विधि का पावर का इस्तेमाल किया और उनको वापस फैसला कर दोबारा नौकरी पे पुनः लगाने का काम उस समय उनका सरकार के समय हुआ था, क्योंकि यही माना गया था कि कोई इम्प्लाई किसी सरकार किसी पार्टी के नहीं होती, किसी जो है वो तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं दूसरी बात ये भी दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कि जो एक बयान आया कि ये जजमेंट को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम हुआ, जबकि ये जो जजमेंट है ये साफ है, इसमें एक बात आई है, इस जजमेंट में कहीं भी किसी भी पीटीआई ना तो कोई भ्रष्टाचार की बात आई, ना कोई फ्रॉडुलेंट भर्ती का जिक्र आया, जैसे कि एक जगह कहा गया, गलत कहा गया, जो सरकार के एक मंत्री ने जो कहा कि भाई इस जजमेंट में ये बात लिखी हुई है, वो कहीं नहीं लिखी हुई। तो जब ना किसी पीटीआई की किसी क्वालिफिकेशन या मेरिट पे कोई सवाल उठाया गया जो सिलेक्टेड थे, तो जब ये बात है तो यानी कि पीटीआई जो अध्यापक गण हैं उनका कोई कसूर नहीं इसमें, जो सारे अध्यापक गण हैं और जिनका कोई कसूर नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए सरकार को हमने कहा है, सबसे पहले हुड्डा साहब ने इस बात में स्टेटमेंट दी थी कि जैसे हमने उस समय के वो तो बर्खास्त भी थे कर्मचारी, उनके लिए रास्ता निकाला था विधेयका की पावर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा में बिल लाने की भी अगर आवश्यकता पड़े तो इसमें सरकार बिल लाए, हम पूरी तरीके से साथ हैं। और आज भी और आगे भी जब तक ये जो पीटीआई अध्यापक हैं इनका कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक आपका जैसे आप जो है आपके बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। और एक बार फिर मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ आज इस धरने के माध्यम से कि इस बात को सरकार किसी भी राजनीतिक दृष्टि से ना देखे, ये अगर आप जो है आज कोई रास्ता निकालेंगे मुझे विश्वास है कि सभी ये परिवार आपको पूरा श्रेय देंगे उस बात का, तो आप बिल्कुल भी राजनीतिक दृष्टि से इसको ना देखें, ऐसा आग्रह मैं एक प्रदेश के नागरिक के होने के नाते भी करना चाहता हूँ। कोरोना के इस मुश्किल समय में हमने देखा कि जिस तरह के धरने प्रदेश के हर जिले के अंदर पीटीआई अध्यापकों की तरफ से देखने में आए, वो
कितने कितनी दिलों में पीड़ा है हमारे पीटीआई अध्यापकों के दिलों में, कितनी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ रहा है, उस बात का प्रतीक है। तो पूरे पूरे देश में मैं समझता हूँ इस समय कहीं धरने नहीं हुए होंगे, धरने नहीं लगे होंगे, मगर हमारे पीटीआई भाइयों और बहनों को धरने के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने पर मजबूर होने का समय ऐसा आया है। तो मुश्किल का समय है, और आपका ये जो मुश्किल के समय में जो पीड़ा आपके दिलों में है, उस पीड़ा को बांटने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी ओर से भी, क्योंकि जो है इसकी के साथ खड़े होके ये बात आपकी आज यहाँ भी उठाई है, विधानसभा में भी उठाएगी हुड्डा साहब, नेता विपक्ष के नाते कांग्रेस के सभी विधायक मिलके, और संसद में भी वहाँ पे 15 सांसद हैं, मगर 15 में से 14 भाजपा के हैं, विपक्ष में अकेली जो है आपकी एक ही आवाज़ है विपक्ष में, तो वो आवाज़, उस आवाज़ का प्रयोग संसद के अंदर जब अभी संसद का सत्र होगा, तो पहला मुद्दा मैं अपनी जो शपथ लेते ही पहला मुद्दा अपना पीटीआई का कि पूरे अभियान को प्रयास रहेगा। बहरहाल बर्खास्त पीटीआई टीचर प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार बर्खास्त पीटीआई टीचरों को राहत देती दिखाई नहीं दे रही। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।